नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ओनर स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो असम राइफल में है। असम राइफल में जो वैकेंसी आई है 2021 की, बहुत बड़ी वैकेंसी है। हालांकि आप लोगों की एक से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आती जा रही है। आई होप आप लोग 2021 में आप अपना सिलेक्शन ले लें, आप लोगों को अच्छे से जॉब मिले। आई होप, मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ। देखिए, बात करते हैं 2021 में। एक्चुअली ज़्यादा बड़ा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी ऑफिशियली, अच्छी तरह से छोटा छोटा शॉर्ट में बता दिया गया 2021 में असम राइफल। ठीक है, असम राइफल की ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपके लोगों के लिए ट्रेडमैन के लिए मल्टीपल पोस्ट है। ठीक है, ट्रेडमैन के लिए और उसके बाद में आपके लिए क्लर्क के लिए मल्टीपल पोस्ट है। आइए बात करते हैं क्या इस क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा इसका। चलिए ठीक है, इसमें जो आप लोगों के लिए टोटल पोस्टें आई हुई हैं वो आप लोगों के लिए टोटल पोस्ट आई हुई है 1230। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्टें आप लोगों के लिए जो है 1230, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी, और प्लस में इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगी। कैसे, इसमें मल्टीपल पोस्टेज हैं, GD की भी पोस्टें हैं, क्लर्क की भी पोस्टें हैं, और इसमें आप लोगों के लिए वारंट ऑफिसर की भी पोस्टेज है। इसमें आप लोगों के लिए जो हाइट मांगी गई है, ठीक है ना, हाइट GD के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर। ठीक है जी, GD के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर। इसमें आप लोगों को छूट दी जाएगी। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए छूट क्या दी जाएगी, इसमें आप लोगों को छूट ये दी जाएगी कि जो पहाड़ी एरिया से लोग आते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया से, उन लोगों के लिए छूट दी जाएगी। प्लस में इसमें फीमेल्स के लिए जो आप लोगों की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, एक्चुअली इसमें सबसे पहले पेपर नहीं होगा, जो भी खुली रैली होती है उसमें सबसे पहले होता है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में सर इसका क्या होगा, इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। ठीक है ना, जो कि बॉयज के लिए 24 मिनट में का टाइम दिया जाएगा, और 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। ठीक है जी, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। एक्चुअली इसका ज़्यादा बड़ा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है और उसमें क्लियर के लिए लिखा हुआ है नोटिफाइड सून। एज रिलैक्सेशन की बात करें, इसमें 18 से और 23 साल आपके लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है जनरल के लिए। बाकी का OBC SC ST के लिए आप लोगों के लिए एज के जिस तरह से आप लोगों का क्राइटेरिया होता है कि OBC के लिए छूट मिलती है 3 साल के लिए, SC ST के लिए छूट मिलती है, उसके हिसाब से आप लोगों को छूट मिलेगी। ठीक है ना, अब उसके बाद में कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 एज है। ठीक है, उस चीज़ को आपको क्लियर नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, जिस टाइम आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाने जाएंगे तो वहाँ पर उन चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। अगर नोटिफिकेशन आपको क्लियरली आ जाता है तो मैं उस चीज़ पर अच्छे से वीडियो बना दूंगा जो जो चीज़ें इसमें है। अब देखिएगा इसका जो पेपर है, इसका पेपर की जो 1 दिसंबर डेट दी गई है। ठीक है जी, इसकी जो पेपर की डेट है जो 1 दिसंबर दी गई है। ठीक है, पेपर इसका फिक्स है 1 दिसंबर के आसपास ही होना है। 1230 इसकी पोस्ट है, वो चीज़ भी आप लोगों को पता है। और इसमें जो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, देखिए 10वीं पास है GD वालों के लिए। ठीक है जी, क्लर्क के लिए टाइपिंग दी गई है, एक मोटा मोटा मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। क्लर्क के लिए टाइपिंग पूछी गई है, वारंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी। आप लोगों का फॉर्म जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन से आप 2 या 4 दिन के बाद भर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे फॉर्म में अक्सर अगर आप लोगों ने देखा गया होगा साइड हमेशा भेजी जाती है। आप लोग सोचते होंगे कि सर मैं बाद में भर दूंगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बाद में भर दूंगा और प्रॉफिट होगा मेरे लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दें ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, प्लस में इसका टाइपिंग है जो 35 टू 30, इसके लिए क्लर्क की पोस्ट के लिए आप लोगों का टाइपिंग का टेस्ट होगा। बाकी इसका जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो मैंने साइड में दिया हुआ है, बाकी और कोई इसका ज़्यादा नोटिफिकेशन दिया नहीं हुआ। जिस तरह से आपको इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसी से रिलेटेड मैं इसकी एक बड़ी बिग वीडियो लेके आऊँगा एग्जाम पैटर्न को लेके। अगर प्रीवियस एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो उसमें कोई मजा वाली वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर का जो पिछली बार हुए थे पेपर, उससे तो हो सकता है चेंज भी हो जाए। अभी फिलहाल में नोटिफिकेशन कुछ दिया नहीं गया तो उससे रिलेटेड लेके बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, रनिंग के बारे में, GD की हाइट के बारे में, एज के बारे में, टाइपिंग के बारे में, 1 दिसंबर के बारे में और 2 से 4 दिन के फॉर्म के बारे में, ये सारी जो भी मैं नॉलेज दूंगा पहले मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि नोटिफिकेशन में है ये चीज़ें या नहीं है। ठीक है ना,
अदरवाइज मैं आप लोगों के नहीं नहीं पहुंचाऊंगा। अभी जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से इसका एक वीडियो बनाऊंगा, बाकी आप लोगों के लिए आप इसका फॉर्म भरिए बहुत अच्छे से। 12-30 पोस्ट है आप लोगों के लिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें और भी देखिए मैं क्या कहता हूँ, आपके लिए पोस्ट एक हो, चार हो या 1230 हो, आप लोगों को डिपेंड नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है, ठीक है ना। इसमें क्लियर दे रखा है क्लास 10th इंटरमीडिएट डिग्री डिप्लोमा सेकंड ग्रेड इंजीनियर रूटी, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है। जीडी के लिए 10वीं, क्लर्क के लिए 12वीं और वारंट ऑफिसर के लिए डिग्री, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिनोट की गई हैं, ठीक है सर। चलिए तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको आपके लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जैसे इसका नोटिफिकेशन अच्छे से क्लियर आता है तो मैं उस पर बिग वीडियो लाऊंगा, एग्जाम पैटर्न पे लाऊंगा, कट ऑफ पे लाऊंगा, सारी चीज़ों को डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021।